इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हासंदा के आवासीय कार्यालय में हुई अहम बैठक। मुन्ना कुमारी यादव की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की बैठक में झारखंड प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी हुए शामिल। राजमहल लोकसभा संसदीय सीट जीतने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और नेताओं ने देर शाम तक मंथन किया और रणनीति बनाई, जहां राजमहल लोकसभा से जेएमएम प्रत्याशी विजय कुमार हासंदा के बरहवा स्थित आवासीय कार्यालय में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में झारखंड प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी शामिल हुए। इस दौरान गठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद रहे। इधर आयोजित बैठक में लोकसभा आम चुनाव जीतने के दावे किए। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कई सुझाव दिए, जिस पर काम नहीं करने की बात कही। उधर राजमहल में जेएमएम प्रत्याशी विजय कुमार हासंदा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार भी राजमहल लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने जा रही है, जहां झूठे वादे कर जिस तरह से लोगों को ठगा गया है उनके खिलाफ वोट करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अब राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। आगे कहा कि महागठबंधन नेताओं की मौजूदगी बताती है कि हम पूरी ताकत और जोश के साथ चुनाव मैदान में खड़े हैं और हमारे हर वोट हमारे पक्ष में होगा। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर उन्होंने कहा कि यही हमारी ताकत है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ और मैंने राजनीति को करीब से देखा है। साहिबगंज झारखंड, मुन्ना कुमार यादव की रिपोर्ट। फिर दो बार से जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा राजमहल लोकसभा का किला फतह किए, क्या इस बार भी किला फतह कर पाएंगे? निश्चित तौर पर आप जानते होंगे, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, इंडिया अलायंस जो है उसके पास 73% वोट है और एनडीए बोलिए या भारतीय जनता पार्टी बोलिए उसको सिर्फ 27% ही उसके पास। जब इंडिया अलायंस के लोग बिहार को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए या दूसरे राज्य को ले लीजिए, अगर सबका वोट को अगर मिला देते हैं आप, तो आपको देखने मिलेगा कि इंडिया गठबंधन का वोट अभी हमारे पास 73% और इसी सोच और विचार के साथ इंडिया गठबंधन बनाया गया है कि जिस वादा देकर सबके साथ सबकी विकास, लेकिन दो दिन लगातार आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का भाषण अगर सुने होंगे, आपको कहीं उसका भाषण में जो बोले सबके साथ सबके विकास कहीं भी आपको दिखाई नहीं। आज हम मैनिफेस्टो बनाए और मैनिफेस्टो ने हम साफ शब्दों में कहा, यहाँ के बेरोजगार जो सर्टिफिकेट लेकर सड़क पर घूमते हैं उसको हम रोजगार देंगे, 30 लाख लोगों को रोजगार। महिला को हम हर साल 1 लाख रुपया देंगे, 8,000 महीना, 3 क्वार्टर में 1,000 करके स्टार्ट, अरे नहीं 1 लाख रुपया हम देंगे, चाहे किसानों की नौकरी लाभ की बात करें, इसमें कहीं नहीं करना। तो आपने जिस वादा करके यहाँ की जनता को सबके साथ सबकी विकास की बात करके महंगाई कम कराएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को खाता में 15 लाख रुपया आएगा, तो ये सारी बात जो है उसका गारंटी फीस टाइट टाइट फीस फीस होगी। आज देखिए आप पूरे उनका कवरेज देखते हैं आप लोग, मीडिया है, कोई भी इसमें नहीं बोलता कि हम अपना मैनिफेस्टो से काम करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते, वहाँ क्या बोलते हैं बाहरी और भीतरी की बात करते हैं। अरे ये काम आपका है, कौन बाहरी है भीतरी है, वो आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको रखते हैं, हम नहीं रखते हैं, कोई स्टेट नहीं रखता है, उस बात पर आपको ध्यान देना है, आपकी कमजोरी है इसीलिए नहीं कर पा रहे। ये बात नहीं होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि जनता से जुड़ी हुई जो मुद्दा है उस बात को अगर हमारी सरकार तीसरी बार आए तो हम यही काम करेंगे। वो जानते हैं कि हमारा बोलने से यहाँ की जनता विश्वास नहीं करेंगे, काम नहीं। हमने दो बार जनता से वादा किए थे कि हम महंगाई घटा देंगे, हम जो है आपका जो हिंदुस्तान में 2022 और 24 के बीच तक कोई भी कच्चा के मकान नहीं रहेंगे, लेकिन ये बात आपको कहना चाहते हैं कि 2022 के लगातार प्रधानमंत्री आवास हमें नहीं दिया, तब हेमंत जी ने के नेतृत्व में ये बात तय हुई कि हम लोग 3 कमरा का मकान देंगे। ये तो है भारतीय जनता।